एनटीए ने जो अभी आंसर की चैलेंज के लिए समय दिया है वो आज रात 12 बजे तक है, और इस समय के दौरान आपको आंसर की चैलेंज करना है। मैं सोचता हूं आपको आंसर जरूर चैलेंज करना चाहिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चैलेंज करना चाहिए और उसके लिए जो फाइल अपलोड करनी है आंसर जस्टिफिकेशन के लिए, उस फाइल में क्या लिखना है, किस प्रकार से आप आंसर चैलेंज करेंगे, तो उस चैलेंज के लिए जस्टिफिकेशन हर क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है हमारी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर भी करें। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिखी है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स फीस 2022 के लिए आपको कैसे चॉइस फिल करनी है उसके बारे में जानकारी दी है, सर्विस बाउंड डॉक्यूमेंट्स और हरेक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में जानकारी दी है। ये ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस सभी के लिए ये बुक अवेलेबल है, तो आपके लिए ये काफी लाभदायक रहेगी। अब हम बात करेंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें चैलेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन है वो आपको फिजिक्स का ये क्वेश्चन तो चैलेंज करना चाहिए। एनटीए ने इसका आंसर 3/2 वोल्ट दे रखा है, तो इसको आप अगर चैलेंज करते हैं और एनटीए इसको मान जाता है तो इसके जो बोनस मार्क्स मिलेंगे वो सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। ये इसके जो बोनस मार्क्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, और जिन कैंडिडेट्स का ये रॉन्ग हुआ है, जिन कैंडिडेट्स का ये रॉन्ग हुआ है उनको तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और जिनका ऑलरेडी सही है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको ऑलरेडी 4 मार्क्स मिल चुके हैं, बोनस भी जाता है तो उनको 4 मार्क्स ही रहेंगे, उनको न तो कोई नुकसान होगा और न कोई फायदा होगा। लेकिन जिन्होंने बाकी आंसर दे रखे हैं, 1, 2, 4 आंसर दे रखे हैं, उनको यहाँ पर 5 मार्क्स का फायदा होगा क्योंकि 1 मार्क्स उनका कट रखा है और 4 मार्क्स उनको और मिलेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, ये आप लोगों को करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोटनी का क्वेश्चन है, और इसमें जो दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है तो हम इसको मानते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन भी बोनस जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी अगर ये बोनस जाता है क्वेश्चन, तो सभी कैंडिडेट्स को ये मार्क्स मिलेंगे, इसमें सभी को 4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे किसी ने अटेंड किया हो या नहीं किया हो। बोनस में जो सेक्शन ए में क्वेश्चन होते हैं उनके सभी को कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलते हैं, जो सेक्शन बी में होता है जिसने अटेंड किया है उसी को मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो इसमें जिन कैंडिडेट्स ने, जिनका 1 मार्क्स माइनस जा रखा है पहले, माइनस नेगेटिव हो रखा है, उनको यहाँ 5 मार्क्स का फायदा होगा अगर एनटीए इसको बोनस देता है, और जिनका पहले से सही है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको 4 मार्क्स ऑलरेडी मिल रखे थे और 4 मार्क्स अभी भी मिलेंगे बोनस होने से भी, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिनका गलत हो रखा है और उनका -1 इस क्वेश्चन में कट गया है और एनटीए बोनस करता है तो उनको 5 मार्क्स का यहाँ फायदा होगा। बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बोटनी का है, एटीपी वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर हम इसका सही मायने से देखें तो इसका आंसर 2 ही आता है, अगर फिर भी हम इसको माने, अगर एनटीए इसको मान लेता है तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है, यहाँ पर इसका आंसर 3 भी हो सकता है, यानी 8 ATP भी हो सकता है और 2 ATP भी हो सकता है। तो अगर एनटीए इसको कंसीडर करता है, इसके 2 आंसर देता है, तो जिन्होंने पहले 2 कर रखा था उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने पहले 8 कर रखा है उनको भी यहाँ 4 मार्क्स मिल जाएंगे, उनको भी यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। अब ये चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन क्या लिखना है, क्योंकि आपने ये जो फाइल अपलोड करनी है चूज फाइल में, आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप फाइल को अपलोड करते हैं तो आपको क्या जस्टिफिकेशन देना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जिस क्वेश्चन का आप टिक करोगे, यहां पर जैसे फिजिक्स का है तो उसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दीज पर आपने टिक करना है। ऐसे ही बोटनी का जो क्वेश्चन है,
बोटनी वाला क्वेश्चन है उसको भी नैनो दी। जो बोटनी का एटीपी वाला क्वेश्चन है उसमें अगर किसी ने थ्री किया है तो वो थ्री पर टिक करेंगे, इसमें जिसका सही है उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने गलत किया है थ्री कर दिया है तो वो इसको चैलेंज कर सकता है। अब चैलेंज करने के बाद में इसके साथ में फाइल कौन सी अपलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस प्रकार से आप ये जस्टिफिकेशन की फाइल इसके साथ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। जैसे ऊपर लिख देंगे आप आंसर जस्टिफिकेशन लिख देंगे, उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, आपका पेपर का कोड क्या है। मैं यहाँ T3 क्वेश्चन के पेपर का कोड क्वेश्चन पेपर लिख रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ 12 है, पेपर कोड T3 है, तो उसका आंसर ये होना चाहिए। ऐसा आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं आंसर के साथ में, ऐसा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 103 है T3 का, तो उसका जस्टिफिकेशन आप ये दे सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है बोटनी वाला है, एटीपी वाला है, तो इसका क्वेश्चन दो और ऑप्शन दोनों करेक्ट हो सकते हैं, तो इस प्रकार से आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये तीन क्वेश्चन के अलावा, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल ही बताया है, इन तीन क्वेश्चन के अलावा अगर आप और भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो इस प्रकार से ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन के आंसर का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो आपको ये चैलेंज करना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर एनटीए इसको मान लेता है तो आपको काफी फायदा होगा, और ज्यादा संख्या के अंदर अगर ये चैलेंज जाएंगे तो एनटीए हो सकता है इनको स्वीकार कर ले। अब इसके लिए इलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, तो इलिजिबल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एनटीए किसी क्वेश्चन का बोनस मार्क्स देता है, अगर किसी क्वेश्चन का बोनस देता है, किसी क्वेश्चन को बोनस करता है, तो उसके 4 मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, उसके 4 मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, चाहे किसी ने इसको अटेंड किया है या नहीं किया है, चाहे किसी ने इसको चैलेंज किया है या नहीं किया है, ये बोनस मार्क्स सभी को मिलेंगे। क्योंकि ये जो फाइनल आंसर की जारी होगी, रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, उसके अंदर इस क्वेश्चन को बोनस दिखाया जाएगा और बोनस मार्क्स सभी को मिलेंगे। दूसरी बात, जो केमिस्ट्री का सेक्शन बी का है, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है इसलिए मैं सभी को बता रहा हूं बोनस मिलेंगे। जो केमिस्ट्री का सेक्शन बी का क्वेश्चन है वो जिसने अटेंड किया है उसी को बोनस मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, जिसने अटेंड किया है उसी को बोनस मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बोनस मार्क्स सभी को मिलेंगे। अभी कहीं ये सोच के आप चैलेंज करने से रुक जाए कि हो सकता है बाकी स्टूडेंट चैलेंज करेंगे तो मेरे को चैलेंज करने की क्या जरूरत है, क्यों मैं 200 रुपीज या 3 क्वेश्चन चैलेंज करता हूं तो 600 रुपीज क्यों मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं अपने, क्योंकि बाकी तो कर ही रहे हैं तो सभी को मिल रहा है तो मैं क्यों करूं। तो ये आपका सोचना गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अभी तो आपको 600 रुपीज अमाउंट मिल रहा है, अगर इसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा चैलेंज जाएंगे तो एनटीए इस पर अगर विचार करता है, बोनस भी देता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो ये हर एक स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहिए जिनका गलत हो रखा है, जिनका सही है उनको तो चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका गलत हो रखा है उनको चैलेंज करना जरूरी है। आप यहाँ पैसे की तरफ न देखें, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है जो, क्योंकि ये पैसे हमारे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में इस प्रकार से भी खर्च हो जाते हैं, तो ये 600 या 800 या 1000 रुपीज आपके लिए कोई बड़ा मायना नहीं रखती है, ये मेरा यहाँ पर मानना है। तो जो जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि ये चैलेंज करना चाहिए उनको चैलेंज कर सकते हैं आप। मैं आपको ये 3 क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने बताया है और ये बताया कि इनको तो आप कर सकते हैं, इनको तो करना ही चाहिए, लेकिन जो बाकी आप ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है उनको आपको चैलेंज करना चाहिए। और ये चैलेंज के लिए टाइम आज रात 12 बजे तक ही है, लिमिटेड टाइम है, और इस टाइम में आप इसको चैलेंज कर दें। काफी सारे कमेंट्स इस प्रकार से भी आ रहे हैं कि काफी बच्चों ने चैलेंज कर दिया है लेकिन उनके पास में कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, उनका पेमेंट डिडक्ट हो गया है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो इनको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपडेट हो जाएगा, उनको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दोबारा पेमेंट वो न करें, यहाँ पर वो कंसिडर कर लिया जाएगा। आप दोबारा से एक बार लॉगिन करके देख लें, अगर कंसिडर हो गया है तो ठीक है, आपका पेमेंट कट गया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है इसमें।